तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पार्ट वन 21 से 24 सेशन वाले का जो एग्ज़ाम डेट निकला है उसके बारे में, कब किसका एग्ज़ाम होगा, कौन से डेट का होगा और कौन से ऑनर्स का कब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप में हम डाल दिए थे ये मेमो नंबर जो है, ये देख लीजिए आप, मेमो नंबर यहाँ पे दिया गया है 16465/564 और यहाँ पे देख लीजिए डेट 18/10/2022। तो यहाँ पे आप देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पे ऑनर्स का नाम दिया गया है, कौन से ऑनर्स का कब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी और मैथमेटिक्स और होम साइंस, ये तीनों ग्रुप ए में आता है। ग्रुप बी हो गया कॉमर्स और साइकोलॉजी। उसके बाद ग्रुप सी में आ गया फिजिक्स, एंथ्रोलॉजी और इकोनॉमिक्स, LSW और ज्योग्राफी। ग्रुप डी में केमिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, सोशोलॉजी और AIH और उसके बाद आर इकोनॉमिक्स। उसके बाद नीचे आइएगा ग्रुप ई में बॉटनी, म्यूजिक, ड्रामेस्टिक, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और मैथिली। और उसके बाद ग्रुप एफ में हिस्ट्री, फिलोसफी और पर्शियन और संस्कृत। यहाँ पे देख लीजिए ए से ग्रुप एफ तक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये जो है शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट का, जैसे कि किसी का ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, या फिर किसी का बॉटनी है या फिर केमिस्ट्री है, किसी का अगर हिस्ट्री है, हिंदी है, कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट जो है तो उसका ग्रुप आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और मैथिली, बॉटनी, म्यूजिक, ये सब ग्रुप ई का है। तो इसको ग्रुप ई में यहाँ पे देख लेंगे, ग्रुप ई का ये देख लीजिए पेपर वन। तो ग्रुप ई का पेपर वन जो है यहाँ पे देख सकते हैं 11/11/2022 और ग्रुप ई का पेपर टू आप यहाँ पे देखिए, तो एक ये है, ये देख लीजिए 15/11/2022 को। ये तो ऑनर सब्जेक्ट का हो गया, ऑनर सब्जेक्ट का। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया और सब्सिडरी वन में हो गया हिस्ट्री। तो चलिए अब हिस्ट्री का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आरबी हिंदी का, और उसके बाद टू में देख लेंगे इकोनॉमिक्स का। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले, उसके बाद हिस्ट्री का देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का आप नीचे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है शेड्यूल। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, तो हिस्ट्री कहाँ पे है, तो हिस्ट्री यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री, तो 19/11/2022 को है हिस्ट्री का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे और कौन इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स हम देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिक्स का है, तो 23/11/2022। और उसके बाद एक और कौन सा था, तो चलिए हम देख लेते हैं, एक हिंदी, तो हिंदी आप देख सकते हैं 21 को है, 21/11/2022। तो इस तरह हो गया, तो आप देख सकते हैं डेट इस तरह से होगा। और सेंटर का जो है, किस कॉलेज का कहाँ सेंटर जाएगा, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आइएगा, तो नीचे जैसे ही आ जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं MRM कॉलेज दरभंगा, MKS कॉलेज, और उसके बाद ये है रिमिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा। तो यहाँ पे ये तीनों का देख लीजिए, CM कॉलेज साइंस कॉलेज में है दरभंगा में, सेंटर इधर होगा कॉलेज नेम और इधर सेंटर नेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सेंटर दिया गया, तो ये दरभंगा का 13 सेंटर है, मधुबनी का 10 सेंटर है और समस्तीपुर का 11 सेंटर है, और बेगूसराय में 6 सेंटर है। और इधर कॉलेज का नाम दिया गया, जैसे कि ये RBS कॉलेज का देख लीजिए, APSM गया है, और ये दोनों MRJD और RCS का SVSS में। इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटर का नाम भी, और एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, तो जब जारी की जाएगी तो उसके बाद बता दी जाएगी।